हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं सेल्फ राजकुमार। फ्रेंड्स, आप जानते हैं मैं मेरे चैनल के थ्रू अप्रोप्रिएट बाइंग लेवल इन्वेस्टमेंट की राय देता हूं और अप्रोप्रिएट ही बात करना पसंद करता हूं। मेरे थंबनेल पे भी आप लोग देखते होंगे मैं कोई भी 100 रुपये लगा करके करोड़ों कमाने की बातें नहीं करता, क्योंकि एटलीस्ट वी हैव नीड सम टाइम टू कन्वर्ट मिनिमम अमाउंट इनटू मैक्सिमम 10 to 15 years पीरियड ऑफ टाइम और समटाइम ह्यूज इन्वेस्टमेंट टू गेट ह्यूज रिटर्न्स। बट फ्रेंड्स, एटलीस्ट इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द इन्वेस्टर, डिपेंड अपॉन हिज थिंकिंग एंड टोटली डिपेंड अपॉन हिज कन्विक्शंस। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं ऐसे दो शेयर्स की जो कि 40 रुपये के आसपास आप लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए, टाटा पावर और अडानी पावर। इन दोनों में ही जब डाउन टू अर्थ इनकी रेट थी, हो सकता है कि आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए हों और आपको कोई बताने वाला भी हो सकता ये नहीं बता पाया हो कि ये इस लेवल से इस लेवल तक भी, अपर लेवल ट्रैक तक भी जा सकते हैं। और आज आप सोचते ही रह गए कि काश हम भी बहुत मिनिमम लेवल पर इन्वेस्टमेंट कर लेते तो इतना अच्छा रिटर्न, मल्टीबैगर रिटर्न हमें 10 times का दोनों ही शेयर्स में मिल रहा होता। कहने का मतलब है कि टाटा पावर भी 300 रुपये के आसपास तक के लेवल्स पे आया है, 290-295 जो भी है, मतलब जो भी इसका 50 रुपये खाई है, और एक अडानी पावर का भी 50 रुपये खाई देगी। तो 40-50 रुपये के लेवल पे अगर आप लोगों की इन्वेस्टमेंट करने की थ्योरी किसी ने टेस्ट की होती, बताया होता, तो कम से कम एटलीस्ट आप में से कोई तो इन्वेस्ट कर पाता और इतना अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न ले पाता जैसे कि टाटा पावर में और अडानी पावर में। लेकिन फ्रेंड्स, अभी भी ऐसे दो स्टॉक हैं, दो पावर सेक्टर के दो धुरंधर शेयर्स हैं जो आपको इस तरह का रिटर्न दे सकते हैं और अभी बहुत सस्ते दामों में मिल रहे हैं। फ्रेंड्स, जो दो शेयर हैं उनमें से एक तो शेयर 18 रुपये के आसपास है और एक शेयर 8 रुपये के आसपास है, 8.25। इनमें अभी भी एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है क्योंकि दोनों ही अपनी बुक वैल्यू से डाउन पे, दोनों का ही रिजल्ट अब प्रॉपर वे में इम्प्रूवमेंट की तरफ आ रहा है और आने वाले 6 महीने बाद ये हो सकता है कि इसी तरह का ट्रैक अब ट्रेंड में आ जाए कि शेयर 50 क्रॉस करके 100 के आसपास तक चले जाए। दोनों स्टॉक में इतना मादा है और दोनों स्टॉक का नाम है फ्रेंड्स, एक तो है जेपी पावर, 8.25 रुपये पर अवेलेबल है बाइंग के लिए, दूसरा रिलायंस पावर, बिलो ₹80 है ये शेयर। फ्रेंड्स, अभी भी एक अपॉर्चुनिटी है इन दोनों शेयर्स में कि हम मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करके मैक्सिमम क्वांटिटी ले सकते हैं इन दोनों शेयर्स में। आप ये सोचें अडानी पावर और टाटा पावर में, जो कि दोनों शेयर ही एक तो 375 रुपये के आसपास है और एक 222 रुपये के आसपास है, आप इनमें एक मोटी रकम इन्वेस्टमेंट करके इनकी अच्छी क्वांटिटी बाय कर लें तो उससे भी कम रकम में आप ये जो दो शेयर्स हैं इनकी अच्छी क्वांटिटी बाय कर सकते हैं और ये शेयर जब रन करेंगे 200 तक या 100 तक या 50 तक भी, तब भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न देंगे फास्ट ट्रैक मूवमेंट से। 372 का शेयर 1000 होने में टाइम लगाएगा और 222 का शेयर 500 होने में टाइम लगाएगा, लेकिन 8 रुपये का शेयर 50 रुपये होने में या 24 रुपये होने में टाइम लगाता 3 गुना हो जाता है, आप समझिए मेरी बात। और यही 17 रुपये का शेयर 50 रुपये तक पहुँचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। 2 quarters पॉजिटिव रिजल्ट और आ गए तो ये दोनों शेयर जिस प्राइस पे है उससे 3 गुने हो जाएंगे, यानी 8 रुपये का जो जेपी पावर का शेयर हो 25 रुपये तक पहुँच जाएगा और 17 रुपये का जो रिलायंस पावर शेयर हो 50 रुपये तक पहुँच जाएगा। फ्रेंड्स, 6 से 8 महीने साल भर में भी अगर आपको इतना रिटर्न मिलता है आपके इन्वेस्टमेंट पे और फिर आप उसको नहीं बेचे, अपर ट्रैक्स पे निकल जाए शेयर और अपर ट्रैक्स पे चले जाएँ, 150 क्रॉस कर जाए, 200 क्रॉस कर जाए, तो आप सोच लीजिए कितना बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न आपको आपके इन्वेस्टमेंट में मिल सकता है। इट्स अ टाइम, इट्स एन अपॉर्चुनिटी, थिंक अबाउट इट। तो फ्रेंड्स, जुड़ रहे हैं मेरे चैनल से, मेरी बात को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करें ताकि मैं इस तरह के आइडियाज़ आपको देता रहूँ। छोटे इन्वेस्टर्स के लिए हैं ये आइडियाज़, बड़े इन्वेस्टर भी अपना मोटा पैसा इसमें और मोटा बना सकते हैं। तो जुड़ रहे हैं मेरे चैनल से सभी तरह के इन्वेस्टर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।